बठिंडा पुलिस के मुखी डॉक्टर नानक सिंह एसएसपी और डीएसपी गुरजीत सिंह रुमाणा के आदेशानुसार भाई कन्हैया चौक पर लगाया गया नाका और बहुत ही सख्ती के साथ लोगों की वाहनों की चेकिंग की गई। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहर में कोरोना वायरस का खौफ जो है फैलता जा रहा है, शहर में क्या बात करें तो पूरे देश में ही फैलता जा रहा है। और पंजाब में लेटेस्ट आज मानसा में 3 केस आए हैं, 1 केस फरीदकोट में आया है। और शहर में पंजाब सरकार की तरफ से पूरे शहर में या हर ज़िले में नाकाबंदी कर दी गई है। ये दिखाते हैं, इस समय बठिंडा के कन्हैया चौक पर खड़ा हूँ। ये जो रास्ता जाता है ये राजस्थान की तरफ लिंक करता है कि राजस्थान से आने वाले जो व्हीकल हैं उस रास्ते से आते हैं, यहाँ से घूम के शहर में एंट्री पॉइंट करते हैं। ये रास्ता जाता है अमृतसर के लिए, यहाँ से भी जो व्हीकल आ रहे हैं इन गाड़ियों में पास लगे उनको नहीं रोका जा रहा है, लेकिन जो और गाड़ी है चाहे वो मुलाजिम बैठे हो गाड़ियों में उन गाड़ियों को भी बराबर चेक किया जा रहा है और बराबर उनको देखा जा रहा है। कन्हैया चौक पर नाका लगाया हुआ है और थर्मल एसएचओ हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है। और साथ ही उन्होंने देखा कि एक रोंग साइड से पुल के नीचे से कोई सज्जन निकालना चाहते थे बाइक को, लेकिन साहब की मुस्तैदी की वजह से वो देख लिया और उसको ये पकड़ के लाए। सर किस तरह से कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई यही है, देख रहे हैं जी देखो जो कर्फ्यू पास आ जीता जरूरी है उन्होंने लगा दें, ड्यूटी पर जाना जो कोई बिना वजह ही तुरे फिरते उन्होंने रोकते हैं। इनू रोकया से बिना वजह घूम फिर चले जी रोकया, ये पुल के थले जाके क्रॉस करके इलीगल जा रहा है, रोकया चलान कर रहे हैं। ये थोड़ी मुस्तैदी है कि भाई इस तरह से है कि तुम इन्होंने देख लिया तो बारीकी से नज़र रख रहे हो, बहुत ही बढ़िया काम है। जैसे कि देखने से आ रहा है कि सख्ती और बढ़ा दी गई, फरीदकोट से भी 1 केस मिल गया, मानसा से भी 3 केस हैं जी, अपना बठिंडा जब तक सेफ हैगा, बहुत चंगी गल है ये। तो इन्होंने पूछा कि मैं ये नीचे से जा रहे थे, इनका नाम की है? इनका नाम पूछ रहे हैं अभी तक पूछे नहीं।